नमस्कार टू एवरी वन. इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इस फर्स्ट पार्ट सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स. वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाई वी रिक्वायर्ड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स एंड हाउ कैन वी डू सॉर्टिंग. वी डू सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और वी कैन अकॉर्डिंग टू देयर शेप, देयर कलर. ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन आवर प्रेफरेंस. ओके, so we have already discussed about from which material the things are made and how can we categorize the importance of grouping things, and about the properties of things like material luster, about the hardness, which is hard, which is soft, like the soft material and what is hard. Okay, and about the soluble and insoluble property of material. Material are soluble in water and some are like wood, stone, sand are insoluble in water, and while sugar and salt are soluble in water. Soluble hote hain, and then salt kya hote hain? Soluble hote hain. Aur stones wagaire kya hote hain? Nahi hote. And we have already like discussed about like some activity we also have done some activity like हमने अल्कोहल अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लाइक हमने अलग अलग चीजें ली थी, उन्हें सोल्यूबल देखा, सोल्युबिलिटी हमने चेक करी कि विच आर सोल्यूबल एंड विच इज नॉट. लाइक कोकोनट ऑयल इज नॉट सोल्यूबल इन केरोसिन एंड अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर. जो केरोसिन है और ऑयल है वो क्या होते हैं? इनसोल्यूबल. ठीक है, और वेनेगर इज सोल्यूबल इन वाटर. तो इस तरह से हमने कैटेगराइज करा कि विच आर वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विच आर सॉल्युबल विच आर नॉट सॉल्युबल. एंड इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द गैसेस, अबाउट द लैंड एंड अबाउट द सिंक, फ्लोट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट्स, अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट एंड अबाउट द कंबस्टिबिलिटी. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट. ओके, गैसेस, मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनसॉल्युबल ऑफ वाटर. अधिकतर जो सारी गैसेस होती है वो क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है वाटर में. फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो इनसॉल्युबल होती है. व्हाई? ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर. दैट्स व्हाई एनिमल्स होते हैं. सी, एनिमल्स कैन रेस्पिरेट इन वाटर. दे यूज डिसॉल्व, ओके, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं एंड इन दिस वे दे सर्वाइव इन वाटर. ये सर्वाइव करते हैं वाटर में. ठीक है, सो तो वो गिल्स से क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर गैस विच इज स्लाइटली क्या होती है? सॉल्युबल होती है वाटर में. एंड इट इज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर वाटर प्लांट्स. टू शो लाइक इसमें सम मटेरियल आर सॉल्युबल, सम मटेरियल इनसॉल्युबल, यू कैन कैटेगराइज लाइक सैंड इज नॉट सॉल्युबल, वेनेगर इज सॉल्युबल, चॉक इज इनसॉल्युबल, वैक्स इज. इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं विच इज सॉल्युबल, विच इज डिसॉल्व इन वाटर एंड विच आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ऑब्जेक्ट मेट फ्लोट, फ्लोट एंड सिंक. फ्लोट में मतलब जो तैरते हैं और होते हैं. सम मटेरियल आर फ्लोट इन वाटर बिकॉज दे आर लाइटन इन साइज. ठीक है, इफ वी ड्रॉप एन आयरन नेल इन द वाटर, अगर हम आयरन नेल को डालेंगे वाटर में तो वो क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा, नीचे चले जाएगा, बट द पीस ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन द वाटर. Then why this happen? If we weight equal volumes of iron and water and wood, we will find out that wood is lightest and iron is hard, heaviest. Iron क्या होता है? Heavy होता है as compared to wood. बहुत heavy होता है और wood बहुत lighter होता है. Like this aluminium भी क्या होता है? Lighter होता है and iron जो होता है वो heavier होता है, तो वो sink हो जाते हैं. Like wax paper जो होता है, cotton होते हैं, वो lighter होते हैं तो वो फ्लोट करेंगे. द मास पर यूनिट, जो मास पर यूनिट ऑफ द सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं डेंसिटी. तो इट डिपेंड्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. जो डेंसिटी होगी उसके कारण ही हम जज कर सकते हैं विच मटेरियल आर फ्लोट एंड विच मटेरियल आर सिंक इन वाटर. लाइक अ सब्सटेंस विच इज डेंसर देन वाटर, डेंसर होगा जो वाटर से, वो क्या करेगा? सिंक कर जाएगा. एंड द सब्सटेंस विच आर लाइटर होगा, डेंसर कम होगा वो वाटर से, तो वो क्या होगा? फ्लोट करने लग जाएगा वाटर. ओके,
तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं, लाइक हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोट क्या करेगी, फ्लोट करेगी, कॉर्क फ्लोट करेगी, वुडन वुडन पीस क्या करेगा, आयरन निडल क्या होगी। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप वी कैन ऑल्सो डू एट योर होम, कर सकते हो ये एक्टिविटी, तो ट्राई ट्राई दिस एक्टिविटी एंड जज, ओके एंड राइट हियर। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स लाइक कितना ट्रांसपेरेंट है आप, किसी के आर पार कितना देख सकते हो। व्हेन वी सी इजीली थ्रू सम मटेरियल दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। व्हाइल व्हेन वी कैन नॉट सी, जब हम नहीं देख सकते हैं उसके आर पार, तो हम किसे क्या बोलते हैं, उसे इनट्रांसपेरेंट बोलते हैं या ऑपेक्यू बोलते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे लाइक ये बुक है मेरी, ठीक है, तो बुक के मैं लाइक कैन आई सी, इसके आर पार में देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, नहीं, नो आई कांट सी, सो दिस इज ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट, ओके। एंड अगर मैं कोई ग्लास लेती हूँ, ठीक है, तो मैं उसके आर पार देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, यस यस आई कैन सी, सो दिस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट होगा, जैसे ग्लास मटेरियल होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड ट्रांसलूसेंट मीन्स टू हमें थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देता है, जैसे आप बटर पेपर लेते हो, ठीक है, जैसे मडी वाटर होता है तो उसमें क्या होता है, आपको ढंग से दिखाई नहीं देता, प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देता, आधा दिखाई दे रहा आधा नहीं दिखाई दे रहा, तो वो चीज़ होती है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओके। तो ये थ्री टाइप्स के मटेरियल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक, ओके। मोस्ट ऑफ द ऑपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ऑपेक ऑब्जेक्ट शेडो फॉर्मेट करते हैं जब उन पर लाइन इंसिडेंट करी जाती है, ठीक है, जबकि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो लाइट को ट्रांसलूसेंट करते हैं, वो हाफ लाइट को तो जाने देते हैं, हाफ लाइट को नहीं देते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड ग्लास, ऑयल पेपर, बटर पेपर एंड डीप वाटर, लाइक ये जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल में आते हैं, और ठीक है। तो हियर सम एक्टिविटी इज ऑल्सो लाइक देयर टू शो डिफरेंस बिटवीन ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट, होल्ड अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक लाइक बल्ब की, हम पास में क्या करते हैं, एक शीट रखते हैं और एक ग्लास होता है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है उसमें से ट्रांसफर हो जाती है, जबकि पेपर होता है उसमें हाफ ही ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट क्रॉस होती है, तो क्या होता है ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, हाफ लाइट ही, कुछ ही लाइट आगे क्रॉस हो पाती है, जबकि जो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें मोस्ट ऑफ द सारी लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, कंडक्शन ऑफ हीट। ऑब्जर्व द कुकिंग वेसल इन द किचन, उसके जो हैंडल्स होते हैं आपने ऑब्जर्व करें, हैंडल क्यों नहीं गर्म होते हैं, ये ऑब्जर्व करा है आपने कि वो वुड के बने होते हैं या वो प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो जल्दी से गर्म नहीं होते हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, जल्दी से गर्म नहीं होता और आपको आप जलते नहीं, आप तभी उसे पकड़ते हो, क्योंकि वेजल तो बहुत गर्म होता है लेकिन जो पकड़ने का हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है। सो जो वेजल हो गया वो मेटल का बना होता है या अलॉय का बना होता है, तो डेट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, हीट का गुड कंडक्टर होता है, डेट्स वाई वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी को क्या कर देता है, ऑब्जर्व करता है और लाइक कंडक्ट कर लेता है, जिसके कारण वो गुड कंडक्टर होता है। तो वेजल्स है मतलब मेटल की चीजें हैं, ये क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, जबकि प्लास्टिक है, ग्लास है, वो बैड कलर ऑफ हीट होते हैं। जैसे आप आइस क्यूब रखोगे, वॉट है इसमें, इसमें एक्टिविटी दे रखी है कि इसे आप गर्म करते हो तो क्या होता है, ठीक है, ये एक्टिविटी करके आप देख सकते हो कि कौन सा गुड कंडक्टर है हीट का, कौन सा बैड कंडक्टर है। लाइक आपने दो स्पून लिए, प्लास्टिक का स्पून लिया, एक मेटल का, लाइक स्टील का स्पून लिया, जब आप उसे गर्म पानी में डिप करते हो तो प्लास्टिक का स्पून ईजिली गर्म नहीं होता है और जो स्टील का स्पून है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हो कि विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड विच इज नॉट, ओके। सो लाइक टू गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में लाइक शो करने के लिए, लाइक इसमें यही बता रखा है, लाइक स्पून आपने टिप इस तरह से करा है, एक प्लास्टिक का लिया है और एक आपने लाइक स्टील का लिया है या किसी और मटेरियल का लिया है, ठीक है। तो जब आप वुड के या वुड का लेते हो, वुड इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वुड का जो चम्मच होता है, स्पून होता है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता, जबकि आयरन का होता है या आयरन से रिलेटेड कोई चीज होती है, स्टील में होता है, तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है।
कंबस्टिबिलिटी द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस कैच फायर व्हेन हीटेड इन द एयर इज कॉल्ड कंबस्टिबिलिटी। मतलब प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी सब्सटेंस गर्म होता है उसके लिए उसे हीट की जरूरत होती है जलाने के लिए, तो वो कंबस्टिबिलिटी होती है। द सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर ऑन हीटिंग, जो जो कैच फायर नहीं करता है लाइक एयर, मतलब आप जब उसे गर्म करते हो तो वो इनकम्बस्टेबल सब्सटेंस होते हैं ऐसे। सो वाइल द सब्सटेंस विच कैच फायर ऑन हीटिंग कम्बस्टेबल सब्सटेंस लाइक वुड पेपर एंड कॉटन आर कम्बस्टेबल सब्सटेंस। आपने लाइक आग उसके पास ले जाओगे तो वो जल्दी से आग जल जाएंगे, ठीक है, जल जाएंगे या नहीं, नहीं जलेंगे क्योंकि वो एकदम से आग आपको लाइक जलाने के लिए आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा लाइक एनर्जी को, जबकि पेट्रोल है वो एकदम से ही क्या कर लेता है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही जल्दी, एलपीजी गैस है वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, तो इनफ्लेमेबिलिटी हायर होती है उनकी, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं कम्बस्टेबल, जलते तो हैं लेकिन जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं एकदम से। इनफ्लेमेबल मतलब होता है जो कि एकदम से ही, बहुत एकदम से ही आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एलपीजी गैस और एल्कोहल है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। स्पिरिट अट्रैक्शन टुवार्ड्स मैग्नेट, ये एक्टिविटी आपने करी भी होगी कई बार कि आप जब मैग्नेट को होल्ड करते हो तो आयरन की जो चीज़ वो उसमें स्टिक हो जाती है, तो ऐसी मटेरियल जो आयरन की तरफ लाइक अट्रैक्ट हो, लाइक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। लाइक आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, दैट इज मैग्नेट इन नेचर बिकॉज दे अट्रैक्ट टुवार्ड्स मैग्नेट and which are not attracted towards magnet are called non-magnetic material. Non-magnetic material कहते हैं, जैसे wood है, paper है, आप उसके पास magnet ले जाओगे तो वो attract नहीं होंगे, तो that are called non-magnetic material. Diffusion, when you open a bottle of perfume, it smell spread, सारी जगह smell हो जाती है उसकी, वो कैसे होती है, क्योंकि perfume evaporate हो जाता है, vapor में change हो जाता है और mix हो जाता है air में, तो air के molecules एक दूसरे पर उससे pass करते हैं और क्या हो जाता है, वो सारा जो जो उसकी थिकनेस है वो क्या हो जाती है, ऑल ओवर द रूम स्प्रेड हो जाती है। द परफ्यूम वेपर मिक्स विद द एयर एंड रीच ड्यू टू द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के कारण होता है, गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। एंड डिफरेंट गैसेज डिफ्यूजेड एट द डिफरेंट रेंज, मतलब सारी गैसेज का अलग अलग रेशियो होता है, लाइक अलग अलग रेट्स होती है कि किस तरह से वो स्प्रेड होती है। मैनी सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इन द वाटर, मैटर कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, जिसके कारण हम कैटेगराइज कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड लाइक उनको कि किस तरह से वो वाटर में स्प्रेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय।